एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर का आज जन्मदिन है। हालांकि इस खास मौके पर कोरोना की वजह से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रखा गया, जिसके चलते लोग उन्हें फोन और वर्चुअल माध्यम से ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ओम माथुर का पूरा जीवन जनसेवा में गुजरा। ऐसे में कभी आरएसएस के प्रचारक के तौर पर नजर आए तो कभी जनता के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान के मारवाड़ के रहने वाले ओम प्रकाश माथुर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जीरा किसान आंदोलन के साथ राजस्थान में एक बड़ी प्रसिद्धि पाई। उनकी नेतृत्व क्षमता और काम करने की पद्धति से भैरव सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता बेहद प्रभावित रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर अपनी कार्यशैली और निष्पक्ष लहजे के लिए भी जाने जाते हैं। ओम प्रकाश माथुर को जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी दी तो उन्होंने दिग्विजय सिंह को गद्दी से उतरवाकर उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद माथुर का भाजपा में सफलताओं का लंबा सिलसिला जारी है। 2 जनवरी 1952 को पाली के बेडल गांव में जन्मे ओम प्रकाश माथुर खेती बाड़ी और घुड़सवारी के शौकीन हैं। वे 1971 में संघ के प्रचारक बने। माथुर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं। साथ ही भारतीय किसान संघ राजस्थान के संगठन मंत्री और राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार लाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार लाने में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया। ओम माथुर बीजेपी के संकट मोचक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकटतम मित्र और सलाहकार ओम माथुर वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। आज भी साधारण कार्यकर्ता से सीधा जुड़ाव ओम माथुर की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओम प्रकाश माथुर का खास जुड़ाव है और ये खास जुड़ाव इसलिए भी रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दौर में दोनों साथ साथ प्रचारक थे। जब गुजरात में ओम प्रकाश माथुर को प्रभारी बनाकर भेजा गया तो माथुर नरेंद्र मोदी के बड़े ट्रबल शूटर थे। दरअसल गुजरात में बीजेपी को बेहद मजबूत करने में उन्होंने अहम किरदार निभाया। साथ ही जब भी उन्हें किसी भी जिम्मेदारी के साथ किसी भी अन्य राज्य में भेजा गया तो वहां उन्होंने अपने संगठन की नेतृत्व क्षमता का गजब का परिचय दिया। चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, जहां प्रभारी बनने के बाद उन्होंने वहां योगी सरकार स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई, या फिर जिक्र महाराष्ट्र का हो, जहां देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं देते हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से अक्सर उनकी राजनीतिक मंत्रणा चर्चा का विषय रहती है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश माथुर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। भले ही बात राजस्थान में बीजेपी के वेटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम सामने आने की हो या फिर जिक्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर शुरू हुई सियासत का। बहरहाल ओम प्रकाश माथुर को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाएं जोरों पर है तो दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि उन्हें देश के उपराष्ट्रपति पद या फिर किसी बड़े राज्य के राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित किया जा सकता है। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।